तो यहाँ पर यहाँ पर इसको आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 23-24 में अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र के संबंध में। तो ये अंतर जनपदीय की बात है, वो अंतः जनपदीय था, ये एक जनपद से दूसरे जनपद में बात की जा रही है, वहाँ पर जनपद के अंदर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, कृपया उपर्युक्त विषयक, यहाँ पर जो निर्देश है, निर्देश के साथ साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम आते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल, जिसकी की जो वेबसाइट है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र upsdc.gov.in पर शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 के मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के उपरांत अहर रजिस्ट्रेशन पत्र को सबमिट किए जाने की कार्रवाई दिनांक 31/7/2023 तक पूर्ण किए जाने तथा अनार यानी कि जो एक्सेप्ट नहीं किए गए रजिस्ट्रेशन पत्र को सबमिट नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 जुलाई 2023 तक जो अहर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड थे उनकी कार्रवाई की गई। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है और उसी से संबंधित जो तीन पॉइंट महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षिका द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की कार्रवाई में शेष अनहर रजिस्ट्रेशन पत्र को निरस्त किया जाएगा, पहले ही साफ कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर बिंदु है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा पूर्व में अंतर जनपदीय या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लिया गया है के संबंध में वांछित सूचना यह था, अंतर जनपदीय पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लिया गया, हाँ या ना में उत्तर देना है, तथा अंतर जनपदीय पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का दिनांक भरे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आपने लाभ लिया है तो उसकी दिनांक भरिएगा, यदि नहीं लिया है तो कुछ नहीं भरना होगा। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा अनहर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा अनहर रजिस्ट्रेशन पत्र को रिजेक्ट और अर्ह रजिस्ट्रेशन पत्र को एक्सेप्ट एवं अंतर जनपदीय या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ लिया गया हाँ या नहीं की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल जो दिनांक 13 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि तक पूर्ण किया जाना है। तो उपरोक्त के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो ये प्रयागराज के जो बेसिक शिक्षा परिषद हमारा है वहाँ से ये सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए पत्र लिखा गया है। इसी के क्रम में एक और पत्र हम आपको दिखाते हैं, ये भी इन्हीं का है, ये 5 तारीख को आया था। तो इसमें अंतर जनपदी स्थानांतरण जो प्रक्रिया है यहाँ पर विषय आप देख पाएंगे, इसके अंतर्गत स्थानांतरित जो शिक्षक शिक्षिका है उनके कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराए जाने की ऑनलाइन स्थिति फीड कराए जाने के संबंध में आदेशित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक हैं उनके संबंध में ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल, इसकी की वेबसाइट आपको पता है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र upsdc.gov.in पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुविधा के अनुसार कार्रवाई करते हुए शिक्षक और शिक्षिका के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं के संबंध में कार्यमुक्त और कारोबार ग्रहण किए जाने के संबंध में कराई गई सुविधा के अनुसार वांछित प्रविष्टियाँ दिनांक 9 अगस्त 2023 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें, प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो यहाँ पर 9 तारीख तक 9 अगस्त तक इसे पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का। तो इसी के क्रम में जो अगला फिर आदेश निकाला गया ये 5 अगस्त का है, 5 के बाद में फिर से एक आदेश निकाला गया।